क्यों? तुम्हारी आप ही है इसलिए? नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम्हारी ठीक कही हुई बात भी मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं निगत से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो मत सोच, क्योंकि तुम बेवफाई कर चुके। नहीं नहीं हरगिज नहीं। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी एहसान मंद रहूंगा मारो। तुमने अम्मी की जिंदगी को बचा लिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र ना करें, आज से उनकी हर चीज का ध्यान मैं रखूंगी। बस आप परेशान मत होइएगा। तुम्हारे घर में होने की वजह से अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इब्राहिम, डॉक्टर अम्मी को डिस्चार्ज कर रहा है। हाँ हाँ, चलो फौद। गलती हो गई मुझसे। उस दिन तुम्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था मुझे। एहसान फरामोश, थप्पड़ मारा था ना मुझे, अब ये हाथ नहीं रहेगा। मुझे मारो, पागल हो गई हो क्या? तब टूट जाए, छोड़ो मेरा हाथ। इब्राहिम, अब देख, अम्मी छोड़ो, क्या कर रही हो? हाथ से मारा ना मुझे इब्राहिम, हाथ से। अम्मी चलो, मेरा हाथ, ये हाथ क्या कर रहेगा? माफ कर दो मुझे, नहीं बचेगा, छोड़ो, ये हाथ नहीं रहेगा। किचन का सारा काम मैं खुद करूंगी, तुम यहां का रुख भी मत करना, समझी? निकलो अब यहां से।
आखिर क्यों? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि मैं किचन में भी नहीं आ सकती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या हुआ है, इतनी भोली मत बनो। लेकिन सबको इस घर में मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। तुमसे पहले मेरे हाथ का खाना बना हुआ इनको पसंद था। ज्यादा फिक्र मत करो, थोड़े अरसे में इसकी आदत हो जाएगी ना। आप अच्छा नहीं कर रही। ये मेरा घर है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। एक लम्हे को तो मुझे लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ रही, फिर मुझे आप दोनों की आवाज आ गई। हमारी आवाज? मुझे लगा कि जैसे आप दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। जी दादू, मैं जब स्कूल से आया था ना तो मैंने आपको बहुत ढूंढा। जी दादू, मैंने भी, इसीलिए तो वापस आ गई। अच्छा बच्चों, दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। ओके पापा। हाँ बेटा, कुछ देर आराम करूंगी। ओके दादू, हम फिर आएंगे। ओके बाय। बाय। मारुक कहाँ है, आई नहीं? किचन में होगी अम्मी। बेटा मैं कह रही थी कि उसको एक फोन ही दिला दो। अम्मी उसे मोबाइल फोन की क्या जरूरत है, वो तो सारा वक्त घर में ही रहती है, कहीं आती जाती भी नहीं। जरूरत पड़ सकती है उस। अच्छा चलें ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं ले लूंगा। कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, आराम करूंगी बस। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? इधर ही हूँ। सही,